गाइज, आज मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे कॉलिंग वॉचेस का क्रेज़ तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एमर्ज हो रहा है। बहुत सारे लोग कॉलिंग वॉचेस की तरफ खींचे जा रहे हैं और इंडिया में इसका प्राइस बहुत कम होता जा रहा है डे बाय डे। कॉलिंग प्राइजेस कॉलिंग वॉचेस का तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉलिंग वॉचेस आपको अब 3,000 के डाउन प्राइस पे भी आपको मिल जाती हैं। 2,999 में भी, 2,500 रुपये में भी आपको कॉलिंग वॉचेस मिल जाती हैं। बट वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यहाँ पे आज हम दो वॉचेस का कंपैरिजन करेंगे। एक तरफ है बीफिट अल्फा और एक तरफ है जियोनी GSW6 जो कि हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है। और बीफिट अल्फा आपकी एक महीने डेढ़ महीने पहले आ चुकी थी अमेजोन पे। ये भी अच्छी है क्वालिटी इसकी भी, और यहाँ पे जियोनी की भी क्वालिटी अच्छी है। देखेंगे क्या कुछ खास मिलता है। वीडियो को एंड तक मिस मत करिएगा क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आपको कौन सी वॉच लेनी चाहिए, किसकी डिस्प्ले क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, किसमें फंक्शंस ज़्यादा हैं, कौन सी वाटरप्रूफ है और किसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन मिलता है, किसमें गेम्स मिलते हैं, सारी की सारी बातें करने वाला हूँ। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड गाइस, हमारे टेकपोक चैनल को TECHPOKE टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की। तो यहाँ पे बीफिट और GSW6 में थोड़ा सा डिफरेंस है, 0.8 इंचेस का डिफरेंस है, मतलब 0.7 इंचेस का, जो कि आपको बीफिट में मिल जाती है 1.78 इंचेस की HD IPS कलर डिस्प्ले, 320x385 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिल जाता है। वाइड कलर गैमेट मिलता है जैसा कि ऑफिशियली बता रखा है अमेजोन पे। और GSW6 में आपको 1.69 इंचेस की HD IPS डिस्प्ले मिलती है, 240x280 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है। अब यहाँ पे बात आती है IPS पैनल की। दोनों का ही IPS पैनल बेटर है, यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है, कोई इशू नहीं है। डिस्प्ले क्वालिटी दोनों की अच्छी है। रेस टू वेक दोनों मिल जाता है, ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं मिलता है आपको। यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया है। यहाँ पे प्रोडक्शन एक्जैक्टली बताया नहीं कौन सा प्रोडक्शन है, बट कोई ना कोई प्रोडक्शन मिल ही जाता है। 326 पर पिक्सल डेंसिटी मिलती है, तो यहाँ पे टेक्स्ट की शार्पनेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। यहाँ पे अप टू 450 निट्स तक की ब्राइटनेस मिलती है बीफिट अल्फा में, और GSW6 में 400 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है आपको। एंड गाइज, अब यहाँ पे वॉच फेस की बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे 50 ऑफ क्लाउड बेस वॉच फेस मिल जाते हैं बीफिट में, और GSW6 में एज ऑफ नाउ रिवील नहीं किया गया, तो 25-30 आपको मिल जाएंगे। और गैलरी में से कोई भी इमेज को एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो। ये बेसिक फीचर दोनों में ही अवेलेबल है। एंड गाइज, फिटनेस ट्रैकिंग की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको स्पोर्ट्स फोन मिलते हैं, 7 स्पोर्ट्स फोन मिलते हैं यहाँ पे। एक्सपेक्टेड है GSW6 में आपको अप टू 7 मिलेंगे क्योंकि रिवील नहीं किया गया है। IP67 की आपको रेटिंग मिल जाती है, 380 आपकी वाटर रेजिस्टेंट है, प्रॉपर आप समझ नहीं कर सकते। इवन डेडिकेटेड स्विमिंग मोड आपको नहीं मिलता है, अगर मिलता भी है तो आप इसको एज ऑफ नाउ एडवांटेज लेके मत चलिएगा। आप डीप स्विमिंग के लिए लेके नहीं जा सकते, वॉच खराब हो सकती है। दो वेंट्स होते हैं, स्पीकर और यहाँ पे माइक वेंट, तो उतना कुछ यहाँ पे आईपी रेटिंग नहीं होती है। बात करें यहाँ पे कंसिस्टेंट स्टेप काउंटिंग स्पोर्ट्स मोड एक्टिविटीज का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों में ही आपको एक्यूरेसी लेवल 60-75% के बीच में मिल जाएगा। एंड गाइस, जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर है दोनों में ही अवेलेबल है। बात करें यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे दोनों में ही आपको कॉलिंग फीचर मिलता है। आप वॉच से ही डायल कर सकते हो ऑल टाइम, आपको अपने फ़ोन को निकालने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, बट आप रिप्लाई बैक नहीं कर सकते, वाइब्रेशन के थ्रू ही आपको अलर्ट्स मिलने वाले हैं। एंड फुल टच डिस्प्ले मिलता है, स्मूथ है, स्टटर लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। अलार्म क्लॉक, वेदर नोटिफिकेशन, काउंटर टाइमर, सारी की सारी चीज़ें आपको शो कर देगा वॉच में ही। ब्लूटूथ 5.0 का ऑप्शन मिल जाता है दोनों ही वॉचेज में। 10 मीटर तक की रेंज कन्फर्म है। फाइंड माई वॉच, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है दोनों ही वॉचेज में। यहाँ पे फाइंड माई फोन का ऑप्शन नहीं है, तो ये थोड़ा सा मेरे को फ्लॉ लगा। फाइंड माई फोन का ऑप्शन होता ज्यादा बेटर होता। एंड गाइस, यहाँ पे एंड्रॉइड या iOS दोनों से आप पेयर कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। चाहे आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, चाहे आप आईफोन यूज कर रहे हो, आराम से आप पेयर कर सकते हो। बात करें यहाँ पे हार्डवेयर की, तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस डिफरेंट हार्डवेयर के साथ आती हैं। बीफिट में यहाँ पे आपको 128 MB इंटरनल मेमोरी मिलती है, GSW6 में 654 MB इंटरनल मेमोरी मिलती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाता है आपको देखने को। एंड गाइज, यहाँ पे जो मेन्यू है वो ओप्पो का कॉपी है बीफिट में, और GSW6 में iWatch का UI कॉपी किया गया है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक मैनुअल मेन्यू भी मिल जाता है। एंड गाइज, दोनों में ही आपको सिंगल बटन मिलती है जो कि फ्लश्ड है, और गेस्चर्स का यूज करके अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बात करें बैटरी कैपेसिटी की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 घंटे लेती हैं दोनों ही वॉचेस फुल चार्ज होने में। 20 से 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड करती हैं। एक्सपेक्टेड GSW6 में जो बैटरी कैपेसिटी हो सकती है 220 mAh की हो सकती है, बीफिट में आपको 280 mAh बैटरी कैपेसिटी मिलती है। 5 डेज तक का आपको रन टाइम क्लेम करती है ऑन द पेपर बीफिट, और GSW6 5 डेज का रन टाइम क्लेम करती है ऑन द पेपर। यहाँ पे मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है दोनों में ही। एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ यूजेस की, तो सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ करके बीफिट आपको 3 दिन तक चल जाएगी और GSW6 5 दिन तक रन कर जाएगी। बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर दिए, तो यहाँ पे 1 से 2 दिन चल जाएगी बीफिट, और GSW6 1 से 2 दिन ये भी चल जाएगी। तो यहाँ पे कॉलिंग मिला के मैं बात कर रहा हूँ। एंड गाइस, सिर्फ कॉलिंग पे बात कर रहे हो, मतलब वॉच से ही बात कर रहे हो, तो 4 से 5 घंटे दोनों ही वॉचेस रन कर जाएंगी। मेन फीचर्स की अगर मैं बात करूँ आप सभी से, HR मॉनिटर दोनों मिल जाता है, SpO2 लेवल्स को आप चेक कर सकते हो, BP ECG मॉनिटर मिल जाता है आपको एक में, और स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन दोनों में मिल जाता है। एंड गाइज, यहाँ पे कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी मिलता है, सेडेंटरी रिमाइंडर का ऑप्शन मिल जाता है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है GSW6 में। बीफिट में आपको ब्रीथ रिलैक्स का मोड मिल जाता है।
अब बात करेंगे यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की। उससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मेन फीचर्स में बीफिट जी चुकी है एज कम्पेयर टू GHW6। एंड GHW6 में भी आपको एक फीमेल हेड ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है जो कि बीफिट में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं बीफिट को ही यहाँ पे विनर साबित करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे ECG मॉनिटर मिल जाता है जो कि GHW6 में मिसिंग, और साथ में BP मॉनिटर भी मिल जाता है। मेन बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। यहाँ पे मेटेलिक आपको डायल मिलता है, बेस पॉलीकार्बोनेट का है, एक आपकी 60 ग्राम्स की है, थोड़ी सी हैवी है, तो GHW6 48 ग्राम्स की ही है, और 22mm स्ट्रैप साइज आफ्टर मार्केट का आप यूज़ कर सकते हो। दोनों ही वॉचेस में सिलिकन स्ट्रैप मिलता है बीफिट में, और GHW6 में TPU स्ट्रैप मिलता है। मेन बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वॉच डायल एल्युमिनियम का है, बेस पॉलीकार्बोनेट का, दोनों का ही आपको मिल जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी दोनों की अमेजिंग है, स्टडी फील होती है। अब आती है प्राइसिंग की बात, तो बीफिट आपकी कभी कभी 2999 में अवेलेबल हो जाती है। अगर आपको उस प्राइस में इसको बाय करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर लीजिएगा। एंड GHW6 की बात करें तो ये ऑफर पे लॉन्च हुई थी 3000 रुपीज़ में, और 3500 रुपीज़ हो चुका है अभी इसका प्राइस। 3 से 4 कलर रेंट्स में आपको मिल जाती है। तो गाइज अगर आपको इसको 3000 में बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। और बीफिट का जो एक ब्लैक कलर का वेरियंट है वो अवेलेबल नहीं होता है, तो वो भी आप बाय कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लेन कर दिया है आपको। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड लास्ट में अपना वर्ड देना चाहूँ तो यहाँ पे कॉलिंग क्वालिटी में GHW6 को थोड़ा सा आगे रखना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि जियोनी का आपको भरोसा मिल जाता है, साथ में यहाँ पे 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। बीफिट में नाम कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिया में, क्योंकि सर्विस सेंटर का थोड़ा सा इशू रहेगा, अगर वॉच चल जाती है तो चलती रहेगी, कोई इशू नहीं है, बट अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको ही यहाँ से कुरियर करना पड़ता है इन वॉचेस को, और वहाँ से रिपेयर होकर आती है, तो आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, आई नो। तो आप GHW6 की जगह जा सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है और जियोनी का भरोसा भी आपको मिल जाता है। तो गाइज ये था मेरा एक डीप डाउन रिव्यू बीफिट अल्फा वर्सेस GHW6 जियोनी की वॉच। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।